दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शबी हसन और आप देख रहे हैं अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल की नई पेशकश। और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं ECR और ECNR पासपोर्ट क्या है और क्या आपको भी विदेश में नौकरी मिल सकती है। इन्हीं सब टॉपिकों को लेकर के मैं आपके लिए बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसे आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देते हैं आपको इस छोटे से वीडियो में ज्यादा जानकारी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में और मैं आपको दे रहा हूं ECR और ECNR से रिलेटेड कुछ जानकारियां। दरअसल मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे ECR पासपोर्ट का। ECR पासपोर्ट क्या होता है? ECR पासपोर्ट यानी कि ECR का फुल फॉर्म इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो और या आपने हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट पासपोर्ट बनवाते वक्त नहीं इंक्लूड किया था वो डॉक्यूमेंट, तो आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज में इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा रहेगा। इससे आपका नुकसान इस बात का है, जब भी आप किसी विदेश में जाते हैं, यहाँ तक कि मैं बात करूँ 18 कंट्री में अगर आप जाते हैं और पढ़े लिखे नहीं है, ECR पासपोर्ट है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आपका नाम और एड्रेस होगा उसी के ऊपर इंग्लिश में लिखा होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। आपको वो फोटो में भी दिख रहा है, मैं आपको जूम करके भी उसको दिखला रहा हूँ और अपना आप पासपोर्ट चेक भी कर सकते हो कि मेरा पासपोर्ट क्या ECR है या ECNR है। तो मैं बात कर रहा हूँ ECR की, तो उस पे आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा भी होता है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें से मैं नाम लेता चलूँ, वो टोटल 18 कंट्री है और शायद एक दो छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करना, कोई भी और नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो वो 18 कंट्री है जहाँ पे आपको इमिग्रेशन का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। वो कंट्री है आपकी सऊदी अरबिया, कुवैत, इराक और बहरीन, मलेशिया, लीबिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान, कुवैत। तो इस तरीके से 18 कंट्री में अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो और जॉब करने जा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में इमिग्रेशन सर्टिफिकेट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ECR का ये मतलब होता है कि आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। हेलो दोस्तों, मैं अब बात करने वाला हूँ ECNR पासपोर्ट। अब ये ECNR पासपोर्ट होता क्या है? दरअसल जो भी आदमी पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल है या एबएबए, कम से कम हाई स्कूल है और वो पासपोर्ट बनवाते वक्त अपने डॉक्यूमेंट यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट को या ग्रेजुएशन है तो और बढ़िया है, अगर पासपोर्ट बनवाते वक्त लगाता है डॉक्यूमेंट तो उसके पासपोर्ट के लास्ट पेज पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं लिखा होगा। ऐसी कंडीशन में आपको अगर ये 18 कंट्री जैसे कि जो मैंने अभी पहले बतलाई है, अगर आपको विदेश में नौकरी करने जाना पड़े तो सिर्फ आपका वीजा स्टाम्प होगा और इमिग्रेशन का सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जा सकोगे और इसके पीछे आपका बस 15,000 रुपया बच भी जाएगा। इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं बतला रहा हूँ आपको, 15,000 मिनिमम अमाउंट आपका बच जाएगा, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होगी। इसे कहते हैं ECNR। ECNR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसी कंडीशन में आपको ECR पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ECNR है तो इमिग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में दोनों ही बंदे यानी कि पढ़े लिखे हों और पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी वो विदेश में नौकरी करने जा सकते हैं, इसलिए आप परेशान मत होइए, आप भी जा सकते हो, आपको बस अपना इमिग्रेशन सर्टिफिकेट क्लियर करना पड़ेगा बस। तो ये होता है ECR और ECNR पासपोर्ट। ये मेरे एक सब्सक्राइबर थे शारिफ खान जी, इन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था इस पे वीडियो उनको चाहिए थी, तो मैंने उनके लिए और आप लोगों के लिए भी स्पेशली वीडियो
YouTube पे ला दिया है। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए कुवैत जैसी कंट्री से और अपडेट रहना चाहते हैं यहाँ के जॉब्स और रूल रेगुलेशन से, तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में आप अपनी बातों को जरूर रखिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जितनी जल्दी हो सकेगा जवाब भी दूंगा और आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो भी लेकर के आऊंगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।